इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करते हैं सर्किट के अंदर ठीक है वो कैपेबल होते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सप्लाई करने के लिए किसी भी सर्किट में ठीक है तो ये एक्टिव एनिमेंट की डेफिनेशन होगी अब एक डेफिनेशन इसकी और फ्लो ऑफ चार्ज ठीक है ये भी आप इसकी डेफिनेशन बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन एक्टिव कंपोनेंट जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हैं उनमें कम से कम एक एक्टिव एलिमेंट जरूर होना चाहिए जो एनर्जी जो को प्रोवाइड कर सके सर्किट में ठीक है अब देखिए यहाँ आपको कुछ कॉमन एग्जाम्पल बताता हूँ देखिए जो एक्टिव एलिमेंट के एग्जाम्पल होते हैं वो देखिए पहला होता है वोल्टेज सोर्स वो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोवाइड करता है किसी भी सर्किट में दूसरा क्या होता है फिर करंट सोर्स ठीक है ये भी प्रोवाइड करता है जनरेटर डीसी जनरेटर ये भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोवाइड करते हैं ठीक है ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर सच है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर मॉसपेट पैटर्न जे एफ टी तो ना ये सब भी कैसे है? फिर ये सब भी एक्टिव एलिमेंट है या फिर एक्टिव कंपोनेंट है ठीक है और भी फ्रेंड बोल सकते हैं डायोड हो गया सच है जिन्हें डायोड फोटो डायोड शॉर्ट के डायोड एंड तो फ्रेंड ये सारे जो मैंने आपको भी कंपोनेंट बताया ये सब पेंट क्या है ये सब पेंट्स हैं

भी बैटरी से अगर पॉजिटिव टर्मिनल से अगर करंट बाहर निकलती है ना इसका मतलब ये होता है हो गया सप्लाई कर रहा है थीके? वही लिखा गया एलिमेंट कैन ऑल्सोर एज एन एक्टिव एलिमेंट एज इट कंटिन्यूसली डिलीवर टू दिस सर्किट ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग बैटरी भी क्या होगा गया बैटरी भी एक एक्टिव एलिमेंट हो गया ठीक है समझ में आ गया होगा

अब फ्रेंड देखिए हम लोग ट्रांजिस्टर के बारे में डिस्कस करते हैं तो ट्रांजिस्टर के फ्रेंड क्या ट्रांजिस्टर आर आल्सो एन एक्टिव सर्किट कंपोनेंट दिस इज बिकॉज ट्रांजिस्टर आर एबल टू एम्पलीफाई पावर ऑफ ए सिग्नल एंड दिस एम्पलीफिकेशन इज एसेंशियली कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ चार्ज ट्रांजिस्टर आर हैज क्लासिफाइड एज एन एक्टिव कंपोनेंट देखिए फ्रेंड जो ट्रांजिस्टर होता है वो फ्रेंड एक एक्टिव सर्किट कंपोनेंट ही होता है ठीक है क्योंकि फ्रेंड जो

एज दी नैसिप से डिवाइस डू नॉट प्रोवाइड गेन और एम्पलीफिकेशन ऐसे कंपोनेंट कैन नॉट एम्पलीफाई स्पीड और जनरेट और एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल देखिए फ्रेंड जो पैसिव एलिमेंट होते हैं वो केवल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं ठीक है उनको ऑब्जॉर्व कर सकते हैं एज ए कर सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं बट वो एनर्जी को जनरेट नहीं कर सकते मतलब डिलीवर नहीं कर सकते उनका काम होता है केवल एनर्जी को एब्जॉर्ब करना ठीक है तो फैन वो सारे कम्पोन जो होते हैं वो फ्रेंड आ जाते हैं पैसेव कम्पोनेंट की कैटेगरी में

And can absorbing de and delivering capacity of an inductor limited and in nature. That is why an inductor is taken as a passive element of a circuit. ठीक है जो inductor होता है वो free friend क्या होता है वो passive element होता है क्योंकि energy को store करता है magnetic field में. But ये energy को deliver तो कर सकता है और continuity basis पे नहीं कर सकता. ठीक है तो ये energy absorbing and delivery capacity वो इंडक्टर की लिमिटेड होगी एंड ट्रांसजेंड इन नेचर में होगी ठीक है तो इसीलिए हमने क्या किया इंडक्टर को एक पैसिव एलिमेंट माना है इस, इसी तरह से फैन क्या करिए आप कैपेस्टर की डेफिनेशन देखिए इन एट्रिक इलेक्ट्रिक फील्डीड इन ट्रांसजेंड इट इज नॉट एक्चुअली स्टोरिंग इट फॉर लेटर यू ठीक है अभी मैंने आपको बताया जैसे इंडक्टर क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी को स्टोर करता है उसी तरह जो क्या होता तो जो है वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी को स्टोर करता है यानी कैपेसिटर भी क्या हो गया पैसिव एलिमेंट हो गया तो फ्रेंड आज हमने एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट के बारे में डिस्कस किया फ्रेंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ओके थैंक यू